ये कबीर है, कबीर सिंह। कबीर सिंह है तो इंडियन, पर वो अपनी पढ़ाई करने यूएस आया है। आजकल कबीर सिंह परेशान है पैसों की कमी के कारण। हे कबीर, मैंने तेरे लिए एक नया जॉब ढूंढ लिया। अरे यहीं पास में एक बर्गर जॉइंट है, तू आज ही चला जा वरना कोई और वो नौकरी पकड़ लेगा। नहीं नहीं यार, तू चिंता मत कर, मैं आज ही जाऊंगा। कबीर बर्गर जॉइंट में गया और उसे वो जॉब मिल गई, और उसी दिन से उसने काम करना शुरू कर दिया। बर्गर्स बनाना उसे आता तो नहीं था, पर ये काफी आसान था। उसने बर्गर बनाना जल्द ही सीख लिया। Your order, ma'am. Thank you. कबीर सिंह खुश था क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे थे और मुफ्त का खाना भी। कुछ दिन कबीर सिंह के बहुत अच्छे भी थे, पर फिर वो ऊब गया। उसे ये बिना मसालों वाला खाना खाना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। अरे तुम लोग ये बिना मसालों का खाना कैसे खा लेते हो? Why? Don't you like this? नहीं नहीं, मैं बोर हो गया हूँ एक्चुअली। अगले दिन कबीर बर्गर जॉइंट आ ही रहा था कि उसका ध्यान मैगी पैकेट्स पर पड़ा। आज बर्गर के बदले मैगी खाता हूँ, कम से कम ये टेस्टी तो होगा। कबीर ने एक मैगी का पैकेट खरीद लिया। वो रोज की तरह बर्गर जॉइंट पर काम करने लगा। रात में जब जॉइंट क्लोज हुआ तो सारे वर्कर्स अपना अपना बर्गर बनाने लगे। वहीं कबीर ने अपने लिए एक मैगी बनाया और बड़े ही चाव से खाया। उस दिन से कबीर कभी बर्गर खाता तो कभी मैगी, वो खुश था। एक दिन बर्गर जॉइंट पे ज्यादा कस्टमर नहीं थे, कबीर फ्री था तो उसने सोचा कि वो कुछ नया बनाए। उसने अपनी बैग में से मैगी नूडल्स निकाला। टुडे अगेन मैगी? व्हाट हैज हैपेंड टू यू कबीर? अरे नहीं जी, आज मैं कुछ और बनाऊंगा। कबीर ने बर्गर से बन काटे और मैगी बनाई, और फिर मैगी को बर्गर के पैटी मेकर मशीन में डाल दिया। उससे मैगी की पैटी बन गई। अरे ये तो बिल्कुल गोल है जी। वाह जी वाह, क्या बात है। कबीर खुश हो गया। उसने एक और मैगी की पैटी बनाई। वाओ, दिस डिश लुक्स डिलीशियस, इवन आई वांट वन। कबीर और उस फॉरेनर ने मिलकर मैगी का बर्गर बनाया और फिर खाने लगे। दोनों को वो बर्गर बहुत अच्छा लगा। कबीर, दिस इज ऑसम, आई वांट वन मोर। कबीर ने एक एक और मैगी बर्गर बनाया। दोनों ने बड़े ही चाव से खाए। आज कबीर खुश था, उसने कुछ नया बनाया। कुछ दिन बीत गए और फिर बर्गर जॉइंट का मालिक कबीर के पास आया। उसने मैगी बर्गर की तारीफ सुनी थी और उसे भी मैगी बर्गर खाना था। कबीर ने उसके लिए भी मैगी बर्गर बनाया। दिस इज गुड, एड दिस टू द मेन्यू, आई विल गिव यू 10% कमीशन। वेल डन बॉय। ये सुनकर कबीर खुश हो गया। उसका मैगी बर्गर उस बड़े जॉइंट के मेन्यू में ऐड हो रहा था, और तो और उसे 10% कमीशन भी मिल रहा था। अब तो मेरी पढ़ाई बहुत आसानी से हो जाएगी और मुझे पैसों के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले कुछ महीनों तक कबीर मैगी जॉइंट पर काम करता रहा और उसे पगार के साथ साथ कमीशन भी मिलती थी। फिर कबीर ग्रेजुएट हो गया, उसकी पढ़ाई खत्म हुई और वो पंजाब वापस आ गया। यहाँ उसे बड़े होटल में मैनेजर की नौकरी मिल गई। कुछ सालों तक कबीर खुश था, पर उसे अपना कुछ बिजनेस करना था। एक दिन कबीर ऐसे ही सोच रहा था। ओए क्या बात है पुत्र, किस ख्याल में डूबा है? कुछ नहीं पापा जी, मेरी नौकरी तो अच्छी है लेकिन पता नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपना कुछ करना चाहता हूँ। अरे तो इसमें उदास होने की क्या बात है, तू अपना खुद का होटल खोल लेना। हाँ जी, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी अच्छी नौकरी है और पगार भी अच्छी है। देख पुत्र,
इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका मन लगे। हाँ पापा जी ठीक कह रहे हो, तो मेरा मन तो बस मैगी बर्गर बनाने में लगता था। अरे तो बेटा जी सोच क्यों रहा है, मैगी बर्गर ही बनाना शुरू कर दे। वो तो ठीक है पर कमाई नहीं हुई तो। अरे पुत्र अगर ऐसे ही सोचता रहा ना तो मेरी उम्र होने के बाद पछताएगा कि पहले क्यों नहीं शुरू किया। अभी भी तेरे पास वक्त है, नौकरी का क्या है, वो तो वापस मिल जाएगी। हाँ ठीक है पापा जी। कबीर के पापा जी ने उसको प्रोत्साहित कर दिया। अभी भी कबीर झिझक रहा था क्योंकि वो एक बड़े होटल का मैनेजर था जहाँ उसकी कमाई अच्छी थी, पर अब उसे सब कुछ पहले से शुरू करना था। खैर उसने एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक दुकान रेंट पर ले ली और यहाँ अपना मैगी बर्गर का बिजनेस शुरू किया। ये कैसा बर्गर है? ये एक्चुअली मैगी का बर्गर है जो बहुत ही टेस्टी होता है जी, एक बार खाकर तो देखिए। ठीक है जी खिलाओ। पहले कुछ दिनों तक कबीर की दुकान कुछ खास नहीं चली, पर फिर धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी। कॉलेज के बच्चे मैगी बर्गर खाने के लिए दूर दूर से आते। कबीर ने स्टाफ बढ़ा दिया और मैगी बर्गर में वैरायटीज डाली, चीज मैगी बर्गर, सेजवान मैगी बर्गर। फिर तो मानो कबीर की स्टॉल यंगस्टर्स का फेवरेट फूड जॉइंट बन गया। 6 महीने में कबीर ने एक और ब्रांच खोल दी और अगले 1 साल में 3 और नई ब्रांचेस। कबीर का मैगी बर्गर कमाल कर रहा था। कबीर ने अपनी पूरी फैमिली को काम पर लगा दिया। उसके सारे भाई कजन्स सब एक ही कंपनी में काम करते थे, बर्गर सिंह। महज 6 सालों में कबीर की बर्गर सिंह एक बहुत बड़ा फूड चेन बन गया। भारत के 30 शहरों में उसके ब्रांचेस खुल गए। अब कबीर और उसके पापा जी एक बहुत ही बड़ी कांच की बिल्डिंग में बैठा करते थे। उत्तर याद है तुझे वो रात जिस दिन तू बहुत परेशान था? हाँ पापा जी वो कैसे भूल सकता हूँ। अगर उस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हमारा बर्गर सिंह नहीं होता। ये कहानी बेंगलोर की है। सड़क के किनारे हेनरी और जैक दोनों के बर्गर्स के स्टॉल थे। हेनरी बहुत ही अच्छा था, वो अपने बर्गर्स में अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था, जैसे कि अच्छी सब्जियाँ, अच्छे आलू, अच्छा तेल और अच्छे क्वालिटी के बर्गर्स बन। और जैक को बस पैसे कमाने का लालच था, वो सड़ी गली सब्जियाँ, सस्ता तेल, पुराने आलू का इस्तेमाल करता था। दोनों के बर्गर्स 50 रुपए के थे, पर फिर भी हेनरी से ज्यादा जैक के बर्गर्स बिका करते थे। देखो भाई तुम हमेशा बोलते हो ना अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करते हो, पर फिर भी तुम्हारे बर्गर को कोई नहीं खरीदता, ऐसा क्यों? जैक अक्सर हेनरी को उसकी अच्छाई के लिए ताने मारा करता था। एक रात की बात है, उस दिन हेनरी के काफी बर्गर्स बचे थे। अरे बाप रे, आज तो बर्गर्स बिके ही नहीं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? ये बर्गर्स वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं किसी जरूरतमंद का पेट भर दूं। और ये सोचकर हेनरी ने वो सारे बर्गर्स पैक कर लिए। रास्ते में उसे जितने गरीब दिखते वो उन सबको एक एक बर्गर देता गया। थैंक यू माय सन, यू आर मोस्ट वेलकम। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हेनरी भूखे गरीबों का पेट भर रहा था और सारे गरीब हेनरी को आशीर्वाद दे रहे थे। आगे चलकर एक सुनसान सड़क पर हेनरी को एक छोटी बच्ची दिखी। हेनरी ने उसे भी एक बर्गर दे दिया। थैंक यू अंकल, आज आपका बर्थडे है क्या? नहीं बेटा। तो आपके बच्चों का बर्थडे होगा? नहीं बेटा, आज किसी का बर्थडे नहीं है। तो आप किस खुशी में हमें खाना खिला रहे हैं? बेटा मेरी बर्गर स्टॉल है, आज काफी बर्गर बिके नहीं तो सोचा इससे गरीबों का पेट ही भर दूं। अच्छा किया अंकल, डोंट वरी, कल आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। हाँ, होप सो। उदास मत होइए अंकल, मेरे पास आपके लिए कुछ है। हेनरी उस बच्ची को देख रहा था कि वो बच्ची एक
परी में बदल गई। हेनरी चौंक गया और अपनी आंखें मसलने लगा। ये सच है या सपना है? सच है, मैं एक परी हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने गरीबों का भला सोचा, इसीलिए मेरे पास आपके लिए कुछ है। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उनके सामने 3 मसाले के डिब्बे आ गए। ये 3 जादुई मसाले हैं। आप अपने बर्गर में ये मसाला डालिए, फिर आपके सारे बर्गर्स बिक जाएंगे। थैंक यू। और फिक्र मत करिए, ये मसाले के डिब्बे कभी खाली नहीं होंगे। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह गरीबों की मदद करते रहिए सर। अलविदा। परी गायब हो गई। हेनरी के हाथ में वो 3 डिब्बे थे जिन्हें हेनरी अपने घर ले आया था। सारी रात हेनरी उन मसालों के डिब्बों को देखता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे सच में परी मिली थी। अगली सुबह हेनरी अपने स्टॉल पर पहुंचा और बर्गर बनाने लगा। उसने अपने बर्गर में वो 3 जादुई मसाले मिक्स कर दिए और हमेशा की तरह बर्गर बनाकर तैयार कर लिए। इन बर्गर्स की खुशबू हर जगह फैल गई। आने जाने वाले लोग इसी खुशबू से खिंचे चले आए। मुझे एक बर्गर दे दीजिए। मुझे भी और मुझे भी। देखते ही देखते हेनरी के स्टॉल पे भीड़ लगने लगी और हेनरी के बनाए हुए सारे बर्गर्स बिक गए। ये देखकर जैक चल भुन गया। अरे ये हेनरी ने क्या गड़बड़ की है, आज सारे लोग इसके ही बर्गर क्यों खा रहे हैं? जैक परेशान था। अगले दिन भी हेनरी के सारे बर्गर्स बिक गए तो जैक ने हेनरी से पूछा, क्या बात है भाई, आजकल तुम्हारे सारे बर्गर्स बिक रहे हैं? हाँ, क्योंकि मैं अच्छी चीजों से बर्गर बनाता हूँ, वो भी जादुई मसाले डालकर। जादुई मसाला? तुम नहीं समझोगे। हेनरी का बर्गर स्टॉल अच्छा चल रहा था, ये जैक को अच्छा नहीं लग रहा था। जैक अपनी हर कोशिश कर रहा था, उसने दाम गिरा दिए, फिर भी लोग हेनरी के बर्गर ही खा रहे थे। एक दिन जैक ने सोचा कि वो जादुई मसालों के बारे में पता करके ही रहेगा, इसीलिए जैक हेनरी की गैर हाजिरी में जादुई मसाले ढूंढने लगा। यही कहीं होगा जादुई मसाला। जैक को वो 3 जादुई मसालों के डिब्बे दिखे, पर जैसे ही जैक ने उन मसालों की डिब्बियों को हाथ लगाया तो सारे मसाले उसकी आंख में उड़ गए। मसालों की मिर्ची से जैक यहाँ वहाँ भागने लगा। उस दिन के बाद फिर कभी जैक ने 3 जादुई मसालों को छीनने की कोशिश नहीं की। कुछ महीनों में हेनरी ने जादुई मसालों से बने बर्गर बेचकर काफी पैसे कमा लिए। अब उसका छोटा सा स्टॉल एक बड़ा बर्गर जॉइंट बन चुका था और अब भी उसके बर्गर्स की खुशबू कस्टमर्स को आकर्षित कर रही थी। हेनरी हर रात बर्गर जॉइंट बंद करने के बाद एक्स्ट्रा बर्गर्स बनाया करता था। सर, ये बर्गर हम रोज क्यों बनाते हैं? गरीबों के लिए। पर क्यों? ये तुम नहीं समझोगे। हेनरी रोज ये सारे बर्गर्स अपने हाथ से गरीबों में बांटा करता था। धन्यवाद बेटा। थैंक यू। हेनरी गरीबों को बर्गर्स बांटकर खुद ही थैंक यू बोला करता था और स्माइल करता था, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जो कुछ भी है वो उस परी के 3 जादुई मसालों की वजह से है। उस रात अगर वो बर्गर्स नहीं बांटता तो आज उसका भी भला नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। ये किस्सा है एक गांव में रहने वाली सरोज का। सरोज भावुक बातें करके लोगों का फायदा उठाने वाली एक चालाक और झूठी औरत थी। सुमित और दीपिका, पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आ रही है, तुम दोनों जल्दी से माथे पर गीली पट्टी डालकर और चादर ओढ़कर सो जाओ। कुछ देर बाद जब सरोज ने पिंकी के कदमों की आवाज़ सुनी तो उसने अपने लड़के और लड़की के मुंह में एक एक थर्मामीटर भी दे दिया। सरोज बहन, तुमने मुझसे पिछले महीने 2000 रुपए उधार लिए थे। मेरे घर मेहमान आ गए हैं, कुछ खर्चा ज्यादा होगा, क्या तुम मुझे 2000 लौटा दोगी? बहन, मेरे बच्चे कल रात से बीमार हैं, कल ही मैं इनकी 5000 की दवा लेकर आई हूँ, मैं तुम्हारे पैसे अगले महीने लौटा दूंगी। बहन, अगर तुम्हारे पास इस समय 4-5 किलो आटा हो तो मुझे दे जाओ, सारे पैसे दवा में खर्च हो गए, घर में एक अनाज का दाना भी नहीं है। पिंकी को सरोज के बच्चों पर दया आ गई।
वो सरोज के घर आटा पहुंचाकर चली गई। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। अब जल्दी से उठ जाओ, फ्री का आटा आ गया है। मैं तुम दोनों के लिए पूड़ियाँ बना देती हूँ। सरोज हर सप्ताह एक लिस्ट बनाती थी जिसमें वो उन लोगों के नाम लिखती थी जिनसे वो पैसे ले चुकी है। मनोरमा, मुन्नी, पिंकी, पूजा, रमा, इन लोगों से तो मैं पैसे ले चुकी हूँ। आज सीता बहन के घर जाती हूँ। सरोज ने अपनी लड़की के सर पर टमाटर फोड़कर पट्टी बांध दी और गांव में रहने वाली एक औरत सीता के घर ले गई। सीता बहन, मेरी बेटी के सिर में चोट लग गई है, क्या तुम मुझे 4000 रुपए उधार दे दोगी? मुझे अभी इसे अस्पताल लेकर जाना है। हाँ बहन, अभी देती हूँ। इस तरह लोगों से पैसे ठगना सरोज की आदत बन चुकी थी। एक दिन जब पिंकी सरोज के घर के पास से गुजर रही थी तो उसने सरोज और उसके बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। पिंकी ने खिड़की से झांक कर देखा तो सरोज अपने बच्चों के सर पर टमाटर छोड़कर पट्टी बांध रही थी और किसी से पैसे मांगने जाने की तैयारी कर रही थी। ये सब देखकर पिंकी सारी बात समझ गई। उस दिन शाम को पिंकी और उसके पति के गुरु घर पर आए। पिंकी ने सरोज के बारे में अपने गुरु को बताया। उस औरत को सुधारने का मेरे पास एक तरीका है। गुरु ने पिंकी को एक डिब्बे में जीरा दिया। ये साधारण जीरा नहीं है, अगर ये पेट में चला जाए तो इंसान जो भी बात बोलेगा वो सच हो जाएगी। पिंकी तुरंत जादुई जीरा लेकर सरोज के घर पहुंची। सरोज बहन, मेरे पति बाजार गए थे, कुछ ज्यादा जीरा खरीद लाए हैं। मैंने सोचा थोड़ा जीरा तुम्हारे घर पहुंचा दूं। हाँ हाँ बहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जीरा तो बहुत काम की चीज है, लगभग हर सब्जी में जीरे का तड़का लगता ही है। अगले दिन सरोज ने पिंकी के दिए जीरे से सब्जी में तड़का लगाया। खाना खाने के बाद उसने अपने गले पर एक पट्टी डाली और अपना हाथ लटका कर गाँव की एक औरत के घर पैसे मांगने पहुँची। सुषमा बहन, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो गिर पड़ी, मेरा हाथ टूट गया है। पति को अभी तनख्वाह नहीं मिली है, क्या तुम मुझे 2500 रुपए उधार दे दोगी? सरोज पैसे घर ले आई। आज का टारगेट पूरा हो गया, चलो बच्चों शॉपिंग करने चलते हैं। उस दिन शाम को सरोज कपड़े उतार कर छत से नीचे उतर रही थी तो उसका पैर फिसल गया और उसका हाथ असलियत में टूट गया। दोनों बच्चे उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। असलियत में सरोज को गले में पट्टी डालकर हाथ लटकाना पड़ा। महीने भर के बाद उसका हाथ ठीक हो पाया। महीने भर से मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, आज कोई बड़ा हाथ मारूंगी। सुनो जी, मैंने और बच्चों ने बहुत एक्टिंग कर ली, इस बार तुम्हारी बारी। पिंकी अपने घर पर बैठी लौकी छील रही थी। अचानक सरोज रोती हुई पिंकी के घर पहुंच गई। पीछे उसके दोनों बच्चे खटिया पर अपने पापा को लेकर आ रहे थे। पिंकी बहन, मेरे पति को हार्ट अटैक पड़ा है, अस्पताल लेकर जाना है, कहीं से भी 50,000 का इंतजाम कर दो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मानूंगी। पिंकी जानती थी कि सरोज एक्टिंग कर रही है, फिर भी उसने सरोज को 50,000 दे दिए। सरोज का परिवार जब रात में 50,000 मिलने की खुशियां मना रहा था तब उसके पति को अचानक असलियत में हार्ट अटैक आ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उस दिन मैंने हाथ टूटने का बोला था तो वो भी बात सच हो गई, और आज हार्ट अटैक की बात बोली ये भी सच हो गई। अब मैं क्या करूं? रात में तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। जब सरोज और उसके बच्चे रोने लगे तो पिंकी और पिंकी के गुरु सरोज के घर पहुँचे। मैंने तुम्हें अपने गुरुजी से लेकर जादुई जीरा दिया था, तुम उसे खा रही हो, इसीलिए तुम्हारे मुंह से निकली हर बात सच्ची हो रही है। अब कहो, झूठ बोलने का मजा आ रहा है या नहीं? मुझे माफ कर देना पिंकी बहन, अब मैं इस तरह कभी झूठ बोलकर पैसे नहीं लूंगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पति को ठीक कर दो, मैं वादा करती हूँ अब कभी लोगों की भावनाओं का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। सरोज गुरुजी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगी।
गुरुजी ने सरोज के पति को ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से सरोज ने झूठ बोलकर और लोगों की भावनाओं का शोषण करके पैसे लेने बंद कर दिए। नागपुर गांव में एक पिंकी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहा करती थी। वो गांव में एक विद्यालय के बाहर कचौरी बर्गर बेचा करती थी। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो, जो एक बार खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। आओ आओ, गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। विद्यालय की छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे उसके ठेले के पास आकर गरम गरम कचौरी बर्गर खा रहे थे। पिंकी, जरा मुझे एक प्लेट कचौरी बर्गर दे दो। ऐसे ही सारे विद्यार्थी कचौरी बर्गर चाव से खाते थे। इतना ही नहीं, उस गांव के लोग भी वो कचौरी बर्गर खाने आया करते थे। पिंकी बेटा, ले जाने के लिए कचौरी बर्गर पैक कर दो। पिंकी बेटा, मुझे दो प्लेट कचौरी बर्गर देना। तुम्हारे हाथों की तो कचौड़ी बर्गर देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। धन्यवाद बापू। विद्यालय के बाहर रेखा और उसकी बहन शिखा भी कचौड़ी बेचा करती थी। उनकी बिक्री उतनी नहीं होती थी। ये सब देखकर रेखा और शिखा बहुत जला करती थी। जरा इसके ठेले पर तो देखो कैसी भीड़ लगी है, सारे के सारे लोग उसी के ठेले पर जाते हैं। हाँ दीदी, सुबह से आज हमारी दुकान में कोई कचौड़ी खरीदने नहीं आया। अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पिंकी कचौरी बर्गर बेचकर घर वापस आती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल किया करती थी। पता है माँ, आज मेरे हाथ की कचौरी बर्गर खाकर सबने बहुत तारीफ की और मेरे सारे कचौरी बर्गर बिक गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे ऐसे ही तुम्हारी बिक्री होती रहे। कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है और पिंकी उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर उनका इलाज करवाती है, जिसके कारण वो कचौरी बर्गर की दुकान नहीं लगा पाती। उधर रेखा इस बात का फायदा उठाकर लोगों को अपनी तरफ बुलाती है। आओ आओ, मेरे कचौरी बर्गर एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। रेखा दीदी, कचौरी बर्गर दे दो मुझे एक प्लेट। अभी देती हूँ, जरा ठहर। उसके हाथ के कचौरी बर्गर खाकर बच्चे बोलते हैं, ये कैसी कचौरी बर्गर बनाई है? ऐसी कचौरी बर्गर खाकर तो हमारा पेट ही खराब हो जाएगा। तुम पिंकी दीदी के जैसी कचौरी बर्गर नहीं बना सकती। रेखा के हाथ की कचौरी बर्गर किसी को पसंद नहीं आई थी। उधर पिंकी की माँ ठीक होकर घर आ जाती है और पिंकी दूसरे ही दिन कचौरी बर्गर बेचने वहाँ दोबारा आ जाती है। गर्मा गर्म कचौरी बर्गर ले लो। बच्चे पिंकी को देख कर दौड़े चले आते हैं। दीदी, तुम्हारे हाथ की कचौरी बर्गर खाए बिना हम सबको अच्छा नहीं लग रहा था। चलो चलो, अब जल्दी से कचौरी बर्गर दे दो। देखते ही देखते वहाँ के सारे गांव वाले और बच्चे कचौरी बर्गर खाने आ जाते हैं, जिसे देखकर रेखा कहती है, जरा देखो तो सही, मेरे हाथ के कचौरी बर्गर किसी ने नहीं खाए और ये पिंकी के आते ही उसके ठेले पर इतनी भीड़ लग गई, इससे तो मजा चखाना ही होगा। रेखा पिंकी को सबक सिखाने की योजना बना लेती है और वो मौका देखते ही पिंकी की कचौरी बर्गर में दवा मिला देती है, जिससे लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये क्या, पिंकी की कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे हाँ, आपने सही कहा, मेरे भी पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब तो इसको यहाँ से भागना ही होगा। हाँ, भगाना ही होगा। इसकी कचौड़ी बर्गर खाकर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। पिंकी को गांव के लोग वहाँ से भगा देते हैं और पिंकी रोते रोते अपने ठेले को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देख कर रेखा बहुत खुश होती है। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी आई थी कचौरी बर्गर बेचने वाली। पिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी, मेरा कचौरी बर्गर तो आज बिका ही नहीं। ऐसा इस कचौरी बर्गर में मैंने क्या डाल दिया। एक बूढ़ा पिंकी के ठेले को देखकर पिंकी के पास आकर कहता है, बेटा मुझे कचौड़ी बर्गर दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं अंकल, मैं ये कचौड़ी बर्गर आपको नहीं दे सकती। इस कचौड़ी बर्गर में किसी ने कुछ मिला दिया है। क्या करूं बेटा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने ये ठेला देखा तो तुम्हारे पास आ गया। नहीं अंकल, ये कचौरी बर्गर आप मत खाइए। मेरे पास 50 रुपए है, ये लीजिए और कहीं और जाकर कुछ और खा लीजिए। उस बूढ़े को पिंकी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो बूढ़ा उस कचौरी बर्गर की तरफ देखकर अपना हाथ उठाता है।
जिसमें से कोई रोशनी निकलती है और वो जादू करके वहाँ से चला जाता है। ये बात पिंकी को पता ही नहीं चलती और वो घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ आज मैं कचौरी बर्गर नहीं बेच पाई। मेरे कचौरी बर्गर में कुछ मिलावट हो गई है जिसके कारण लोगों के पेट खराब होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे वहाँ से भगा दिया गया। क्या कचौरी बर्गर में मिलावट? जरा मुझे खिला तो मैं भी तो देखूं इस कचौरी बर्गर में क्या मिलावट है। पिंकी वो कचौरी बर्गर अपनी माँ को लाकर देती है। जैसे ही वो कचौरी बर्गर उसकी माँ खाती है उसकी सेहत में सुधार होने लगती है। देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ना मुझे पेट में दर्द हुआ और ना ही मेरी तबीयत खराब हुई। क्या माँ तुम सच कह रही हो? ये सब देखकर पिंकी दूसरे ही दिन अपनी कचौरी बर्गर बेचने वापस वहीं जाती है। पिंकी जरा कचौरी बर्गर दे दो। ठीक है अभी देती हूँ। वो आदमी जैसे ही कचौरी बर्गर खाता है उसके पेट दर्द की बीमारी ठीक हो जाती है और वो आदमी पिंकी से कहता है, अरे ये क्या पिंकी बेटा, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। ये बात गांव में फैल जाती है कि पिंकी के पास जादुई कचौड़ी है जिसे खाकर सभी की बीमारी दूर हो जाती है और ये सुनकर सारे लोग पिंकी के पास आकर कचौड़ी मांगते हैं। पिंकी पिंकी मुझे भी कचौड़ी बर्गर खिला दो, तुम्हारा कचौड़ी बर्गर खाकर मेरा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। ये सब देखकर रेखा सोचती है, मैं भी जरा ये कचौरी बर्गर खाकर देखूं तो मेरी भी कुछ बीमारी ठीक हो जाए, जरा मुझे भी कचौरी बर्गर खिला दो। रेखा कचौरी बर्गर जैसे ही खाती है उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। वो समझ जाती है कि उसने गलत किया इसलिए उसके साथ उल्टा हो गया। सारे लोग कचौरी बर्गर खाकर बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं। ये बात पिंकी को समझ नहीं आती। बूढ़ा फिर से पिंकी के पास आता है। पिंकी बेटा मुझे 50 के कचौड़ी बर्गर दे दो। अरे अंकल आप तो वही हो ना जो उस दिन मेरा कचौड़ी बर्गर खाना चाहते थे, वो कचौड़ी बर्गर खराब होने की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था। हाँ पिंकी मैं वही हूँ। इतना कहते ही वो बूढ़ा एक परी के वेश में आ जाता है। ये क्या आप परी बन गई? आप कौन है? हाँ पिंकी मैं बूढ़ा नहीं मैं एक परी हूँ। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी इसीलिए मैंने तुम्हारे कचौरी बर्गर को एक जादुई कचौरी बर्गर में बदल दिया था जिससे जो भी ईमानदार व्यक्ति वो कचौरी बर्गर खाएगा उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। ये बात जानकर पिंकी बहुत ही खुश होती है और धन्यवाद कहती है। वो जादुई कचौरी बर्गर से अपनी माँ और सारे लोगों की बीमारी ठीक कर देती है।